हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन एल एन मॉड एक्स माइनस टू। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन एल एन मॉड एक्स माइनस टू। अब इस टाइप के फंक्शन को हम लोग अलग अलग फंक्शन मान करके सॉल्व करेंगे। तो लेट एच एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एल एन मॉड एक्स माइनस टू। अब हम साइन इनवर्स के लिए जानते हैं कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो हम लोग देखेंगे 3 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे 3 सब में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 और ये माइनस एक्स लेस देन माइनस 2। निगेटिव में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब एक्स यहाँ से क्या मिल गया हमको, 2 और 4 मिल गया। यहाँ पे ये एल एन फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए देखेंगे तो एल एन फंक्शन में ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मॉड एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। अगर हम इसको हमेशा ग्रेटर देन 2 होगा। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर देखेंगे तो एक्स की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, एक 2 मिलेगी और एक माइनस 2 मिलेगी और एक वैल्यू 2 मिलेगी। 2 की वैल्यू कहाँ से यहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फाइनिटी तक, और ये जाएगी माइनस इन्फाइनिटी तक। तो यहाँ से एक्स की हमको, यहाँ से एक्स का जो हमको डोमेन मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और देखना होगा कि जो एल एन मॉड एक्स माइनस 2 है वो क्या होना चाहिए, 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 3, मॉड ऑफ एक्स 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि x का जो डोमेन होगा वो क्या क्या हो सकता है, 3 को छोड़ करके कहाँ से कहाँ तक नंबर मिलना चाहिए हमको। तो ये नंबर मिलेगा हमको, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि साइन इनवर्स के लिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 और 4 के बीच में लाई करनी चाहिए। और एल एन मॉड एक्स माइनस 2 के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस 2 और 2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिपेंड हो जाएगा। लेकिन लॉग फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमको जहाँ तक ये हमारा जो डोमेन मिलेगा वो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 3 यूनियन 3 से 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिमिट लगा हुआ है कि ये वैल्यू 3 से छोटी ही रहनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू।